ये हमारे पास ग्लास के कुछ पीसीज हैं, ये हमारे पास यूवी ग्लू है, ड्रॉप बॉन्ड है, इससे हम ग्लास का एक हैंडीक्राफ्ट चिपका कर बनाने वाले हैं। ये टी जॉइंट्स होते हैं, इसके अंदर ये टफ एप्लीकेशन होती है। ऑर्डिनरी ग्लू जो होता है उसमें लेमिनेट इस तरह से चिपका देते हैं दो ग्लास को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये तो एक ऑर्डिनरी यूवी ग्लू है जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल होता है। हाई स्ट्रेंथ के लिए हम करेंगे 3037। हम इसमें टी जॉइंट्स लगाएंगे, इस तरह होता है टी जॉइंट्स, इस तरह चिपकाया जाएगा इसको। ये हमारे पास एक यूवी टॉर्च है, आप देख सकते हैं। यूवी ग्लू जो होता है उसके लिए हमें या तो सनलाइट सोर्स होता है, सनलाइट के अंदर नेचुरली अवेलेबल यूवी रेज होती हैं, या फिर हम आर्टिफिशियल सोर्स जैसे कि ये टॉर्च है आपने देखा है इसके अंदर यूवी लाइट है, इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको चिपकाएंगे। आप देखिए यहाँ पर लगाना है, आप देख सकते हैं इसे लगाना कितना आसान है। ये थिक है बहुत ज़्यादा ताकि इधर उधर फैले ना, थिक होने की वजह से इसके अंदर गैप फिलिंग कैपेसिटी भी होती है। अब आप देखेंगे कि हम इस पर टी जॉइंट लगाने के लिए इसको अलाइन करेंगे। ये हमने इसको अलाइन कर दिया है और हम ये यूवी टॉर्च अब दिखाएंगे ताकि लाइट की रोशनी मिल जाए। आप देख सकते हैं कि ये हमने इसको लाइट दी है। यूवी की जो लाइट की इंटेंसिटी होती है उसके ऊपर इसका टाइम का फ़र्क पड़ता है कि कितनी जल्दी सूखेगा। जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी जल्दी सूखेगा। अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो 15-20 सेकेंड, और अगर कम है इंटेंसिटी तो हमें इसमें लगेंगे कम से कम 1 मिनट। तो एक बारी टेस्ट करना, ये चिपका है क्या? देखिए आप, ये चिपक चुका है। हम इसको एक एक करके पीस को जॉइंट करते जाएंगे। और देखिए आप, ये चिपक चुका है। अब हम इसको अच्छे से लाइट दिखा देंगे और ये हट आपके सामने तैयार है। इसके अंदर एजेस बहुत ही कम लगी हुई हैं। अब इसके अंदर हम ऊपर थोड़ा सा ग्लू फिल भी कर लेंगे ताकि ऊपर से हमने ग्लू लगाया नहीं था। ये देखिए ये रेडी हो चुका है।